हेलो एवरीवन, आज हम परीक्षणात्मक अनुसंधान के बारे में बात करेंगे, जिसे हम प्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान भी कहते हैं। तो उसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि उसका क्या प्रोसेस होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। तो उसकी जो प्रक्रियाएँ हैं, जो हमने फर्स्ट में देखी थी, उन प्रक्रियाओं के बारे में एक बार बात करेंगे कि इस अनुसंधान में स्पेशली किन किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है या परीक्षणात्मक अनुसंधान होता है, वो जो है वो एक नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाने वाला अनुसंधान होता है, जिसमें दो चर होते हैं मुख्य रूप से। चर तो और भी अधिक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो चर होते हैं। तो उन चरों में एक तो आश्रित चर होता है और एक स्वतंत्र चर होता है। तो जो स्वतंत्र चर होता है, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, और आश्रित चर वो होता है जिसमें परिणाम दिखते हैं, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ये दो मुख्य जो तथ्य हैं, ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब अनुसंधान, इस प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो सब में सभी प्रकार के अनुसंधान में जो शुरुआत होती है, समस्या क्षेत्र की पहचान करना। जब हम किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने के बाद बहुत सारे विचार आते हैं, या फिर कोई ऐसा लगता है कि हम इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर कोई जो हम अध्ययन करने के बाद हमें जो नई चीज़ प्राप्त होती है, उसको हम समस्या के रूप में ले सकते हैं। और जो अनुसंधान हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, उस पूरे रिसर्च का जो बैकबोन होता है, वो अनुसंधान की समस्या होती है। एक अच्छी समस्या तैयार करना एक अच्छे अनुसंधान का प्रतीक होता है, और जो कि वर्तमान जो कंडीशंस हैं या आने वाले भविष्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और ज्ञान के लिए उपयोगी हो। तो सबसे पहला बिंदु यही है कि विशेष क्षेत्र की समस्या का निर्धारण करना। दूसरा जो प्रक्रिया का चरण है, वो साहित्य का सर्वेक्षण करना। तो जो संबंधित विषय है, उस विषय क्षेत्र के साहित्य और उसमें जो पूर्व में अनुसंधान हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करना, और अध्ययन कर गूढ़ अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना, ताकि हम जो समस्या का प्रतिपादन किया है, उस समस्या की शुरुआत में या उसको शुरू करने में, उस अनुसंधान को शुरू करने में हमारा जो साहित्य है, जो इससे पहले का जो लिटरेचर है, वो अहम योगदान प्रदान करें। तीसरा है इसका जो सोपान, वो है परीक्षणात्मक अभिकल्प तैयार करना। जब हम प्रयोग कर रहे हैं, जब हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसका एक विजन तैयार करना पड़ता है, जिसे हम अभिकल्प कहते हैं, कि हम किस किस प्रकार से हम आंकड़ों का कलेक्शन करेंगे, किस प्रकार उनका परीक्षण करेंगे, किस प्रकार निष्कर्ष निकालेंगे। तो उसका पूरा एक विजन तैयार किया जाता है। तो जो सर्वेक्षण करने के बाद हमें जो उस रिसर्च का डिज़ाइन तैयार करना है और उसका अभिकल्प तैयार करना है। डिज़ाइन के बाद में अनुसंधान परिकल्पनाओं का प्रतिपादन। अब जब हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने के बाद हम अपने माइंड में ही एक जिस विषय पर, जिस समस्या के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए अपना एक निष्कर्ष दिमाग से ही अपने को लाना होगा कि हम इस समस्या का निष्कर्ष ये हो सकता है। हम अगर इन परिस्थितियों का इस अनुसंधान में उपयोग करेंगे, इस जो हम विश्लेषण करेंगे, उसमें इन इन प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे, तो हमारे अनुसंधान का यह निष्कर्ष निकलेगा। तो अभिकल्पना की तैयारी करना, अभिकल्पना को बनाना। तो जो चौथा प्रमुख बिंदु है, वो हाइपोथेसिस तैयार करना किसी भी अनुसंधान की। और प्रत्येक अनुसंधान में हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, बिना हाइपोथेसिस के अनुसंधान एक पूर्ण अनुसंधान नहीं माना जाता है। हालांकि वो हाइपोथेसिस बाद में हो सकता है, वो जो हमने सोचा था या हमने जो तैयार की थी अपने बौद्धिक विचारों से, वो सत्य ना हो, और उसका परीक्षण किया जाता है। हो सकता है सत्य भी हो सकता है आंशिक रूप से भी सत्य हो, और हो सकता है सत्य ना हो, लेकिन पहले हमें एक अपनी विचारों से अपनी एक उसके निष्कर्ष, अपने अनुसंधान क्षेत्र की, समस्या क्षेत्र के निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि हमें इस अनुसंधान का ये निष्कर्ष प्राप्त होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद में
प्रयोग समूह का चयन करना। जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्योंकि ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होने वाला रिसर्च है, तो हम स्थान का, देशकाल का, परिस्थितियों का आदि जो है उनके बारे में हमें चयन करना पड़ता है। तो प्रयोग समूह का चयन जिसमें हम क्योंकि अधिकतम जो अनुसंधान होते हैं वो प्रयोगशाला में होते हैं, तो उस क्षेत्र की जो विषय सामग्री है, जो प्रैक्टिकल करने की जो सामग्री है, प्रायोगिक अगर अध्ययन कर रहे हैं उसकी सामग्री है, तो उन सबका हमें संकलन करना चाहिए और उनका चयन करना चाहिए। फिर परीक्षण का आयोजन, हमें अनुसंधान में जो चर होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, तो स्वतंत्र चर वो होता है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम कुछ भी उसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग तरीक़ों से जो हम अनुसंधान कर रहे हैं अपने वेरिएबल्स को, जो डिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनमें हम परिवर्तन कर करके हम उनका परीक्षण करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। परीक्षण करने के बाद में प्रयोग का अवलोकन करना एवं उसका मापन करना। तो जब हम परीक्षण करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनका अवलोकन करना और उनका उनको मापना, और हमारी जो समस्या है उसकी जो सेंट्रलाइज है, जो उसका जो सेंट्रल थीम है, उससे जुड़े हुए कितने मामले हैं उनके ऊपर हमें परीक्षण करना है, उसका मापन करना है। इसके बाद में आंकड़ों का वर्गीकरण करना और उनका विश्लेषण करना। जो भी हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उनका आपस में वर्गीकरण करना, उनको कैटेगरी वाइज करना और उनका विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के बाद में भी हम तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं उसके बाद में हमारे निष्कर्ष सामने आते हैं। इसके बाद में निष्कर्षों की व्याख्या करना। जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उन रिजल्ट्स की हमें वापस जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करनी है और वर्तमान परिदृश्य के साथ में उनको जोड़ना है। और जो दूसरे अनुसंधान हुए हैं उस विषय के संदर्भित, उन अनुसंधानों का भी रिलेवेंस उसके साथ में बताना है कि इस विषय में पहले ये अनुसंधान हुए थे और अब ये जो ये निष्कर्ष है उससे ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वर्तमान जो समस्या है उसके साथ में भी उसको जोड़ना चाहिए। उसके बाद में उसका प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, जिसको हम लेखन प्रक्रिया कहते हैं, कि अनुसंधान को लिखना, लेखबद्ध करना, तो एक अच्छे तरीके से उसको वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए और आकर्षक ढंग से उसको लिखना चाहिए और वैज्ञानिक जो विधि है उस विधि का उसमें प्रयोग करना चाहिए। अब प्रतिवेदन लेखन की बात करें तो उसमें जो हम रिसर्च जो थीसिस तैयार करते हैं, जो पूरा अनुसंधान होने के बाद में जब हम उसको लेखबद्ध करते हैं तो पूरी जो किताब तैयार होती है उस किताब के कैसे क्या क्या फंक्शनिंग होती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसमें जो सबसे ऊपर होता है मुख्य प्रश्न होता है, मुख्य प्रश्न के बाद में शोधकर्ता का घोषणा पत्र होता है। शोधकर्ता अपनी घोषणा करता है कि मैं ये जो अनुसंधान कर रहा हूँ ये मौलिक है, मैंने किसी अनुसंधान की किसी और के अनुसंधान की चोरी नहीं की है और उससे मैंने कॉपी नहीं किया है और मेरा जो ये अनुसंधान है ये मौलिक है और मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ। तो ये जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो शोधार्थी होता है, उसका घोषणा पत्र होता है या शपथ पत्र होता है। उसके बाद में अनुसंधान निदेशक का प्रमाण पत्र, जो रिसर्च गाइड होता है जिसके निर्देशन में अनुसंधान किया जाता है उसका प्रमाण पत्र होता है कि हाँ ये जो स्कॉलर है ये मेरे साथ में इस विषय पर अनुसंधान कर रहा है और इसका जो अनुसंधान ये मौलिक है। तो सुपरवाइजर का भी घोषणा पत्र होता है और शोधार्थी का भी घोषणा पत्र होता है। उसके बाद में प्राकलन, जिसमें अनुसंधान प्रक्रिया में हम किन किन चीज़ों की ऊपर हमने बात की तो उसका एक प्राकलन हमें लिखना पड़ता है। प्राकलन में हम अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि हमारा अनुसंधान किस किस प्रकार काम आएगा और उससे पहले उसकी जो प्रीवियस थीम है उसको भी लिखा जाता है। इसके साथ में विषय सूची तैयार करनी, जो जो हमने सामग्रियाँ जो जो हमने लेखबद्ध किया है उसकी पूरी एक सूची तैयार करनी। और सूची तैयार करना का मतलब ये सूची बनानी, उसमें जैसे किताबों में सूची होती है उसके जो पाठ होते हैं उनकी, वैसे ही जो अनुसंधान में जो भी हमने विशेष सत्र तैयार किए हैं, जो जो भी चीज़ें हमने ली है उनकी सूची तैयार की जाती है। उसके बाद में सारणी सूची,
जो भी हम डाटा कलेक्शन जो भी अलग अलग प्रकार के जो किए हैं उनके बारे में, चाहे वो पैम्पलेट है, आंकड़े हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट है, ग्राफ्स हैं, कोई और कोई विषय वस्तु है, तो उन सब की एक सारणी भी तैयार की जाती है। उसके बाद में चित्रों की सूची, जो जो हमने चित्र उपयोग किए हैं उन चित्रों की सूची भी तैयार की जाती है। और सूची तैयार करने का उद्देश्य यही होता है कि हम सीधा उस चित्र तक पहुंच पाए। तो ये इसका जो आगे वाला भाग होता है, इस जो अनुसंधान रिसर्च पेपर होता है उसका, और जो पीछे वाला भाग होता है अंत, जिसे अंत भाग कहते हैं, उसमें पाद टिप्पणी, ग्रंथ सूची, परिशिष्ट और अनुक्रमणिका, जिसमें फुट पाद टिप्पणी को बोलते हैं फुटनोट। फुटनोट में हम जो भी अनुसंधान उसके बारे में, जो भी हमने गतिविधियां की उसके बारे में ब्रीफ में टिप्पणी करते हैं उसके ऊपर, और साथ ही साथ जो भी ग्रंथ हमने इस अध्ययन में उपयोग किए हैं, जिनके ऊपर हमने, जिनका हमने अध्ययन किया है, उनकी ग्रंथ सूची भी साथ में संलग्न करते हैं, और परिशिष्ट उसका जो भी है वो भी साथ में संलग्न करते हैं, और जो भी ग्रंथ वगैरह हमने अध्ययन किए हैं उसके साथ में, जितने भी अध्ययन किए हैं ग्रंथ हो, चाहे वो कोई रिसर्च पेपर हो, तो उनकी अनुक्रमणिका भी संलग्न की जाती है। इस प्रकार पूरा एक थीसिस तैयार होता है, और वो थीसिस अनुसंधान जो होता है उस अनुसंधान को बाद में अंतिम रूप से वायवा होकर, मतलब उसकी जांच प्रक्रिया होकर उसको पब्लिश किया जाता है, और पब्लिश करने के बाद में उसका जो उपाधि प्रदान की जाती है।